हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल PPS नॉलेज पे। आज के लिए सबसे बड़ी अपडेट्स है PHU में 28 सितंबर से होगी प्रवेश परीक्षाएं। क्या है न्यूज, कैसे होगा एग्ज़ाम, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना स्किप के वीडियो को शुरू करते हैं। BHU में 28 सितंबर से होंगी प्रवेश परीक्षाएं। प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम जारी, 4 अक्टूबर तक होगी जाएगी परीक्षा। BHU में स्नातक स्नातकोत्तर में दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए जरूरी खबर है, 14 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इस बार 6 दिन में ही प्रवेश परीक्षाएँ करा ली जाएंगी। 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाली इस परीक्षा के लिए केंद्र व अभ्यर्थियों की सूची भी तैयार कराई जा रही है। JNU DU की तर्ज पर ही इस बार BHU में PNTA की ओर से परीक्षा कराई जा रही है। UG PG के लिए 6 सितंबर तक आवेदन की तिथि निर्धारित की गई BHU की वेबसाइट पर एंड अब NTA की ओर से जारी प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम भी अपलोड कर दिया गया है। 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक 3 शिफ्टों में प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। BHU में हर साल देश भर से 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। कोरोना काल में होने वाली परीक्षा को लेकर केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर विशेष निगरानी की जा रही है। देश भर में बनाए गए 185 केंद्र हैं। BHU में दाखिले के लिए UP में 23 केंद्र समेत देश भर में कुल 185 केंद्र बनाए गए हैं जहां छात्र परीक्षा देंगे। यूपी में वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बलिया, बरेली, बस्ती, देवरिया, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, ग्रेटर नोएडा, झांसी, कानपुर, खलीलाबाद, लखनऊ, मेरठ, फराबाद, मथुरा, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, सीतापुर में केंद्र बनाए गए हैं। 3 नए कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं अभ्यर्थी। इस बार अभ्यर्थी 3 नए कोर्स में दाखिला ले सकेंगे। BHU की ओर से इस बार कृषि विज्ञान संस्थान के तहत BTech इन डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स शुरू किया जा रहा है, जबकि विभाग इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी नए कोर्स के रूप में शुरू हो रहा है। इसी विभाग इन कंप्यूटर एप्लीकेशन को दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केंद्र के तहत चलाया जाएगा।